हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ कुलचा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इन कुलचों को बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देख लेते हैं कि कुलचा मैंने किस तरीके से बनाया है। आज मैं बना रही हूँ कुलचे और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा बोल और इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। तो टोटल 2 कप के करीब मैदा डालना है इसमें। तो यहाँ पर मैं दूसरा कप भी डाल दे रही हूँ। 2 कप मैदा डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब घी। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का भी यूज कर सकते हैं। 2 कप मैदे में 1/4 कप के करीब दही डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, और दही मैंने यहाँ पर खट्टी ली है, तो खट्टी दही का यूज करना है हमें कुलचे बनाने में। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी। आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, तो ये आधा चम्मच लेंगे। और बेकिंग पाउडर लेंगे 1 चम्मच, तो यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। साथ में डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। सभी चीज़ें डाल लेने के बाद इसका हम आटा तैयार करेंगे। तो पहले हम मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। और यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें हम पानी डालते हुए इसका आटा तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं लगाना है, मीडियम सॉफ्ट लगाएंगे हम इसका आटा। और पानी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया है। और यहाँ पर मैंने ये आटा तैयार कर लिया है और इस आटे में हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब घी। और यहाँ पर घी डाल लेते हैं इसके ऊपर और इसको एक बार हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इस आटे को रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये हमारा आटा अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। तो मैं इसे ऐसे ही इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दे रही हूँ ढककर। आप चाहें तो इसे आधे घंटे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे 1.5 से 2 घंटे के आसपास ही रख रही हूँ। यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं और ये आटा हमारा बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। तो देखिए कितना बहुत ही अच्छे से फूल गया है ये। एक बार हम फिर से इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसकी अब लोई बना लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। बराबर बराबर हम लोइयाँ बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने बराबर बराबर लोइयाँ तोड़ ली है। तो जिस भी साइज़ के आप कुलचे रखना चाहते हैं उस साइज के उसके अनुसार लोइयाँ तोड़ लेनी है। और इसे हम और यहाँ पर एक लोई ले लेंगे, इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सूखा आटा और इसे बेलकर तैयार करेंगे। तो इसे कैसे भी बेल सकते हैं, चाहे तो गोल या फिर अपनी मनपसंद कोई भी शेप में। और इस पर मैंने लगाया है थोड़ा सा हरा धनिया, बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया लगाने के बाद इसे हम हल्का सा बेल लेंगे, ताकि जो हरा धनिया है वो चिपक जाए हमारे कुलचे में। और इसे अब चलते हैं सेकने के प्रोसेस में। कुलचे को सेकने के लिए गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा चढ़ाया है और तवा हमारा हल्का गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डालती हूँ कुलचा। और इस तरीके से कुलचे लेके हमें इसे डाल देना है। और कुलचा डालने के बाद इसके साइडों पर हम डाल देंगे पानी इस तरीके से और इसे ढक देंगे ताकि स्टीम में हमारा कुलचा पक जाए। और अब मैं यहाँ पर कुलचे को पलट लेती हूँ और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। और इस तरीके से दोबारा से हम इस पर पानी डाल देंगे और ढक देंगे। और यहाँ पर कुलचा हमारा आधा सिक गया है, तो ये देखिए आधा कुलचा हमारा सिक गया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सेक कर रख सकते हैं और खाने के टाइम पर इसे पूरी तरीके से सेक कर सर्व कर सकते हैं। तो इसे ऐसे भी रखा जा सकता है और अगर तुरंत ही इसे खाना है तो इसे हम और अच्छे से सेकेंगे। तो मैं इसे दोबारा से ढक दे रही हूँ। और यहाँ पर अब हमारा ये कुलचा पूरी तरीके से सिक चुका है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और बाकी सारे कुलचे भी बिल्कुल ऐसे ही सेक लेंगे। और ये कुलचा हमारा काफ़ी फूल गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने छोटे बड़े सभी साइज के कुलचे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो
ये देखिए, और जब इसे सर्व करना हो तो इसके ऊपर बटर लगा के सर्व किया जा सकता है। तो जब ये गर्म हो तो इस तरीके से बटर लगा के इसे सर्व करें। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि इसका अंदर से टेक्सचर कैसा है। और ये देखिए बिल्कुल जालीदार है अंदर से। तो इस तरीके से कुलचे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।